शाजापुर में बीजेपी ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कार्यालय पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संभाग प्रभारी बंसीलाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की वृहद बैठक लेकर संबोधित किया। चुनावों को सफलता हासिल करने तथा कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यकर्ताओं को अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके समझाया गया। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। पर मन की कभी नहीं करना, जो पार्टी तय करे उस अनुशासन की परिधि के अंदर रहकर, उस चौकट में रहकर के जो भूमिकाएं हमको खड़ी की जाती है उसी भूमिका में, उस बात की भूमिका में लेकर के जाए कि पार्टी जिस कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, हमेशा पार्टी कहती है कि हम जो है कमल सिंह को टिकट देते हैं, अर्थात हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी भी वही है, और इसी भाव भूमि को लेकर के अपने वार्डों का ऐसे वातावरण कराने की आवश्यकता है। और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से आज हमारे जिले की वृहद बैठक आयोजित हुई थी, और जिसमें ज़िले के सभी प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता हमारे मौजूद थे, जनप्रतिनिधिगण थे। बैठक को लेने के लिए हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और निकाय चुनाव की दृष्टि से जो जनसंभाग का काम देख रहे हैं आदरणीय बंसीलाल जी गुर्जर, और इसी प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से हमारे जिले के प्रभारी के रूप में उज्जैन की महापौर मीना जायसवाल जी, ये हमारे बीच में यहाँ आज बैठक के निमित्त आई थी। और पूरे हमने इन दोनों प्रकार के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई है। नगरीय निकाय के चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर लड़े जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी ने उसको लेकर के विशेष रणनीतियाँ तैयार की है, और हम बहुत मजबूती के साथ हमारे नगर पालिका और जो नगर पंचायत के क्षेत्र जिले के हैं सबके अंदर इस बार विजय का परचम लहरा इस दिशा के अंदर चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।